आरिफ लोहार की भी क्या बात है, he is the lion of Punjab. आरिफ लोहार is a rock star. आरिफ भाई is a rock star man. He's also शेरा पंजाब. You can sense that positive energy. Even when he came in for the rehearsals, he's such a star. I keep saying that, you know, because there's no other word. अलफल्ला चंबे दी बूटी तो उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर है गानों के, जैसे कि वंगा चढ़ा लो कुड़ियो, जैसे कि गुटकों वाला है, जैसे कि जुगनी का फ्लेवर है, वो एक फ्यूजन है पूरा। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो यानी कि लड़कियों, जब कोई मेला आता है तो जितनी गांव की लड़कियां होती हैं जिन्होंने ये नहीं देखा होता, वो आपस में ये ढोलकी रख के ये गाना गाती हैं। मुझे जिस दिन पता चला था कि कोक स्टूडियो के इस सीजन में आरिफ लोहार साहब होंगे, मैंने तभी रोहेल को कहा था कि मैंने बस उनके साथ एक गाना करना है। You're gonna give the Lohar a tough time, huh? इसके लिए सिर्फ मुझे वो तुम्बे वाला चाहिए। आज मेरी पहली रिहर्सल और पहली मुलाकात थी आरिफ लोहार साहब के साथ। आई वॉज कम्प्लीटली स्टारस्ट्रक एंड इन ऑ बिकॉज ही इज़ अ रॉक स्टार एंड ही इज़ गॉट दिस वेरी बिग प्रेजेंस एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड टू स्टैंड राइट नेक्स्ट टू हिम ऑन स्टेज एंड सिंग हिज सॉन्ग विद हिम वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। एक बार तुसी कहोगे, एक बार फिर मैं रिपीट पूरा करूंगा, ठीक है? पहले मैं ओ जुगनी डिग पई विच रोई, जुगनी डिग पई विच रोई, ओ ते रो रो कमली होई। ओदे विच तुसी अपनी मजे नाल कहो, नु उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मैं बात क्या कर रही हूं, कॉन्फिडेंस तो आप मुझे बेहतर हो जाए, मुझे पता है। आई नो आई नो। मेरी जुगनी दी रफ्तार, मेरी जुगनी दी रफ्तार, फिर जुगनी गांदार फुलवार। उनके साथ गाना जो है, आई थिंक इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर समवन लाइक मी।